हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी बॉडी चैनल। सो गाइस, यहाँ पर हम अपने रेस्टोरेंट स्टॉक इन्वेंटरी एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। और इस दूसरे पार्ट में हम सबसे पहले तो कवर करेंगे कि कौन कौन से हमें नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से सर्विसेज हैं। बेसिकली इस वीडियो में कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज, यही दो चीज़ हम कवर करेंगे, क्योंकि इसे मैं ऑलरेडी 5-10 मिनट मेरा चला जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। वैसे इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ, ऐप कंपोनेंट और एचटीएमएल का सारा कोड हटा के हमने सिर्फ राउटर आउटलेट एलिमेंट को रखा है, और आप भी इसी को रखना सिर्फ, ठीक है। और बाकी चीज़ हटा देना, आप देख सकते हो ऐप के अंदर और बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ऑल ओके, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था, प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और साथ ही साथ CDN को इम्प्लीमेंट किया था बूटस्ट्रैप के। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन मिल जाएगा, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले कंपोनेंट्स और सर्विसेज बनाने के लिए हमको ओपन करना पड़ेगा अपना टर्मिनल। सो हम टर्मिनल हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पे हम एक कमांड हिट करते हैं CLS, बेसिकली ये क्लियर कर देता है स्क्रीन को, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स क्रिएशन की और सर्विसेज क्रिएशन की। सो सबसे पहले जो हमारा एंगुलर का रूट कमांड होता है उसको बोलते हैं ng। ng के हेल्प से ही बाकी सारी चीज़ होती है, चाहे ng सर्व हो, चाहे ng जनरेट हो, चाहे ng बिल्ड हो, चाहे ng स्टार्ट हो, ठीक है। बहुत सारी, चाहे ng वर्जन हो, तो बहुत सारे कमांड हैं, सब ng से ही स्टार्ट होते हैं एंगुलर के, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हमें करना क्या है, हमें कंपोनेंट जनरेट करना है, तो जनरेट कंपोनेंट, तो यहाँ पे कमांड होता है ng, G फॉर जनरेट, आप चाहो तो यहाँ पूरा जनरेट लिख सकते हो। उसके बाद C फॉर कंपोनेंट, चाहे आप चाहो तो पूरा कंपोनेंट लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपोनेंट का नेम देना होगा, तो सबसे पहले मैं देता हूँ लॉगिन कंपोनेंट। जैसे लिख के एंटर करूँगा, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, मतलब कुछ 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन उसके बाद से नॉर्मली होता है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, आप लेफ्ट साइड में रियल टाइम इसका प्रैक्टिस देखते चलना। जैसे मैं लॉगिन लिखा तो लॉगिन का बन गया, अब मैं लिखने चल रहा हूँ साइनअप कंपोनेंट, तो साइनअप बन जाएगा, साइनअप, मैंने साइनअप लिखा। अब ध्यान देना, लॉगिन के नीचे साइनअप का फोल्डर आ जाएगा, ठीक है, और ये आ गया साइनअप का फोल्डर। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ नो मोर, बेसिकली ये हमारा होम कंपोनेंट होगा इस एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट गिविंग द नो मोर, ठीक है। तो ये नो मोर कंपोनेंट भी हमारा आ गया। अब नो मोर के बाद हम यहाँ पर देखें रेस्टोरेंट डैशबोर्ड, सो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं रेस्टोरेंट हाइफन डैश, दैट्स इट। तो ये हमारा रेस्टोरेंट की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो रेस्टोरेंट डैशबोर्ड हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं मेनू कार्ड बेसिकली, तो हम यहाँ देते हैं मेनू हाइफन कार्ड, तो यहाँ पे हमारा मेनू कार्ड नाम का कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा, और ये हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ क्रिएट करने वाला हूँ इन्वेंट्री का, तो मैं यहाँ देता हूँ inventory, इन्वेंट्री, तो ये क्या करेगा, हमारा इन्वेंट्री का कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है, हो गया। अब हमने एक चीज़ और दिखाया था आपको, चार्ट का डैशबोर्ड दिखाया था, तो चार्ट डैशबोर्ड ले लेते हैं, तो यहाँ सिंपली लिखते हैं charts-board, चार्ट डैशबोर्ड, ठीक है। तो चार्ट का डैशबोर्ड भी हमारा यहाँ कंपोनेंट बनके तैयार हो गया। सो ऑलमोस्ट हमने जितने कंपोनेंट नेसेसरी थे सारे के सारे कंपोनेंट्स हमने बना लिए हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सर्विसेज की, ठीक है। तो सर्विसेज भी हम बहुत चुन के बनाएंगे जो कि हमें यूज़ में हो, अननेसेसरी नहीं बनाएंगे, और सबको एक सीक्वेंस में बनाएंगे। अब सबसे पहले CLS अगेन हिट करते हैं जिससे स्क्रीन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्विसेज बनाने के, तो सर्विसेज के लिए कमांड फिर से वही ng रूट कमांड है, G फॉर जनरेट, और अब की बार मैं टाइप करूँगा S बिकॉज S फॉर सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर डायरेक्ट सर्विस नेम दे देते हो तो आपकी ये ऐप फाइल के साथ ही जनरेट हो जाएगी। तो सर्विसेज बनाने के लिए आपको फोल्डर का नेम देना पड़ता है, उसके अंदर कौन सर्विस बनाओगे तब आपका फोल्डर वाइज आएगा। तो सबसे पहले मैं देता हूँ शेयर्ड, ठीक है, तो मैंने दिया शेयर्ड फॉरवर्ड स्लैश API, शेयर्ड के अंदर हमें API नाम का सर्विस दो। तो अब देखना यहाँ पे एक शेयर्ड साइनअप के ऊपर या नीचे शेयर्ड नाम का फोल्डर बन जाएगा, देखो साइनअप के ऊपर बन गया शेयर्ड, इसके अंदर दो फाइलें कंज्यूम हुई हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊँगा मेनू सर्विस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम अप एरो प्रेस करूँगा तो हमारा रिसेंट कमांड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखने वाला हूँ मेनू सर्विस, और मेनू सर्विस के अंदर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ मेनू लिस्ट नाम से,
ठीक है, तो मैं देखता हूँ मेनू हाइफन LIST मेनू लिस्ट नाम से कंपनी सर्विस दूंगा, तो क्या होगा मेनू लिस्ट नाम का सर्विस बना देगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब आपका मेन्यू लिस्ट बन जाएगा तो मैं यहाँ इन्वेंट्री सर्विस बनाऊँगा, तो अप एरो करूँगा फिर से हमारा रिसेंट कमांड आ जाएगा। अब मैं यहाँ देता हूँ इन्वेंट्री सर्विस, ठीक है, इन्वेंट्री सर्विस के अंदर जो हमारा होगा इन्वेंट्री API होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ इन्वेंट्री TORY-API, बेसिकली मैं इस नाम से चाहता हूँ, तो क्या करेगा इन्वेंट्री हाइफन API नाम से हमारा सर्विस बना देगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी बन चुका है, शेयर्ड बन चुका है। अब हमें चार्ट सर्विस का भी बनाना है। ठीक है, तो चार्ट सर्विस के लिए भी हम बिल्कुल वैसे ही यूज़ करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे CHARTS-service/, इसके अंदर हमें चार्ट का डेटा चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं चार्ट CHART-data। ठीक है, चार्ट डेटा डॉट सर्विसेज हमें चाहिए, तो ये चार्ट डेटा डॉट सर्विसेज हमारा बना के दे देगा। तो कहने का मतलब एक कस्टम तरीके से, या आप कह सकते हो मैनुअली तरीके से जो हम सर्विसेज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CLI, वो एकदम इजी और सिंपल तरीके से, इससे ज़्यादा इजी और सिंपल तरीके से आप नहीं सीख सकते। ठीक है, ये एकदम सिंपल कमांड था जो कि आप ईजिली मतलब यूज़ कर सकते हो इसको अपने रियल टाइम के प्रोजेक्ट में, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ सारी चीज़ें हमारी डन हो गई हैं। अब एक बार मैं इसका आउटपुट आपको दिखा दूँ कि यहाँ क्या ये आउटपुट पे कुछ इम्पैक्ट डालता है कि नहीं डालता, तो मैं आपको ले चलता हूँ, रन कराता हूँ NG serve-o। बेसिकली NG फॉर बेसिक कमांड है, S फॉर सर्व होता है, -o फॉर ओपन, ओपन करेगा किस पे, हमारे ब्राउज़र पे डायरेक्टली ओपन करके दे देगा कि ये प्रोजेक्ट मतलब ऑल ओवर जो हमारा मतलब बना रहा हूँ उसको ओपन करके, उसका बिल्ड बना के ओपन करके दे देगा। ठीक है, तो हम इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं दिखने को मिल रहा है, कुछ भी इसलिए नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमने ऐप कंपोनेंट .html पे सारी चीज़ें हमने हटा रखी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स तो बनाए पर ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ क्यों नहीं हो रहे, तो यूज़ इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम इसे यूज़ किए ही नहीं अभी। यूज़ करने के लिए हमें राउटर सेट करना पड़ेगा, राउटर सेट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे डीप में, लेकिन आपको डेमो के लिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे सिंपली दिखा देते हैं। सिंपली एरे के अंदर आना है और एरे को कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे, यहाँ पे लिखोगे पाथ बाइट बॉट, होम कंपोनेंट को मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, ब्लैंक पे हम क्या नोट कराना चाहते हैं, यहाँ कंपोनेंट नेम देता हूँ, यहाँ पे दूंगा नो मोर। ठीक है, बेसिकली हम ये नो मोर वाला कंपोनेंट लोड कराना चाहते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब आप ब्राउज़र पे देखोगे तो नो मोर कंपोनेंट लोड हो चुका है, यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल और इजी तरीका है, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल और इजी तरीका नहीं हो सकता है। अगर आपको कहीं और भी मिल जाए तो वो अलग बात है, बाकी मैं एकदम सिंपलेस्ट वे से समझाना चाहता हूँ जो कि एकदम प्योर बिगनर के प्रोस्पेक्टिव से सही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको दिखा दिया, कंपोनेंट्स जो नेसेसरी है, नेसेसरी सर्विसेज हैं, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अब आप एक काम कर लेना, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली R&D कर लेना, वेरीफाई कर लेना, देन हम इस पर डिस्कस करेंगे। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राउटर को, पूरा का पूरा राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे और थोड़े से और बाकी अनदर कंपोनेंट पे भी वर्क करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, अगर वीडियो प्रॉपर देख रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।